सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 4 ऑलराउंडर फोन्स अंडर 15,000, जहां पर आपको सुपर एमोलेड विथ 120 हर्ट्ज वाली पैनल मिल जाएगी, अप टू 12 5G बैंड्स तक का आपको यहां पर सपोर्ट मिल जाएगा, ग्रेट गेमिंग परफॉर्मेंस और ग्रेट कैमरास के साथ में लंबी बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पर सभी स्मार्टफोन के प्रोज और कॉन्स को भी यहाँ पर ऐड किया हुआ है, जिससे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक परफेक्ट स्मार्टफोन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हेल्पफुल होगी, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने सभी स्मार्टफोन को परफॉर्मेंस वाइज रैंक किया हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट को नंबर 4 से। नंबर 4 पर आने वाला स्मार्टफोन आपको एक ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन मिलता है, लेकिन ये स्मार्टफोन थोड़ा सा पुराना हो चुका है, जिस वजह से हमने इसे नंबर 4 पर रखा हुआ है। दोस्तों ये फ़ोन है यहाँ पर Redmi का Note 10 Pro, एक साल पुराना हो चुका है, लेकिन दोस्तों अभी भी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस फोन के बारे में। तो ये फोन फुल्ली ग्लास बिल्ड पर बना हुआ फोन है, तो आपको यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम मिल जाती है, जो कि इस प्राइस पर आपको किसी भी स्मार्टफोन के अंदर नहीं मिलने वाली। और दोस्तों ये फोन हल्का फुल्का वाटरप्रूफ भी आता है, तो आपको यहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं आती। रही बात डिजाइन की यार, तो डिजाइन के मामले में ये स्मार्टफोन A+ है, जहाँ पर आपको डिजाइन कितना अच्छा दिया गया है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के कुछ अदर फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, 3.5mm का जैक मिल जाता है, फोन के अंदर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, तो ऑडियो आपको यहाँ पर अच्छी और लाउड मिल जाती है। और ये फोन आता है ट्रिपल गार्ड ऑप्शन के साथ में, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G सिम और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। बात यूजर इंटरफेस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 बेस्ड MIUI 12 पर लॉन्च किया गया था, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर MIUI 13 का जो अपडेट है वो भी रोल आउट होना शुरू हो चुका है। और दोस्तों MIUI 13 बग फ्री हो चुका है, आपको यहाँ पर ब्लॉटवेयर ऐप वगैरह भी काफ़ी कम मिलते हैं और एड्स वगैरह की शिकायतें भी उतनी नहीं आती हैं, तो ओवरऑल फोन का सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के बाकी फीचर्स के बारे में। तो ये फोन आता है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड पैनल के साथ में, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। ये डिस्प्ले HDR 10 सर्टिफाइड है, और इसके अलावा यहां पर आपको 1200 नीट्स की ब्राइटनेस का सपोर्ट दिया गया है, तो आउटडोर में फोन इस्तेमाल करने में आपको यहां पर कोई भी शिकायत नहीं आएगी। रही बात गेमिंग की, तो आपको यहां पर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। तो दोस्तों डिस्प्ले आपको यहाँ पर A+ मिल जाती है, डिस्प्ले में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। अब बात कर लेते हैं फोन के कैमरास के बारे में। तो इस फोन के बैक साइड में लगे हुए हैं 4 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा आपको दिया गया 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है। सामने की तरफ आपको यहाँ पर दिया गया है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो कैमरा सेटअप दोस्तों फोन का काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और कैमरा परफॉर्मेंस भी फोन की काफ़ी अच्छी है, आपको यहाँ पर इमेजेस काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बैक कैमरा से 30fps तक, और फ्रंट कैमरा से आपको यहाँ पर फुल HD तक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है 30fps तक। तो कैमरा मॉड्यूल भी आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। फोन की परफॉर्मेंस की बात कर ले, तो फोन के अंदर लगा हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का चिपसेट, जो कि काफी स्टेबल प्रोसेसर है, 8nm फैब्रिकेशन के साथ में आता है, लेकिन दोस्तों यहां पर आपको हीटिंग वगैरह की शिकायतें भी नहीं मिलती हैं, और फोन के डे टू डे परफॉर्मेंस भी आपको यहां पर काफी अच्छे मिल जाती है। और गेमिंग की बात कर ले, तो लगभग आपको यहाँ पर 3 लाख के आसपास के स्कोर मिल जाते हैं, जो कि प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छे स्कोर हैं, तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में फोन में कोई भी शिकायत नहीं आती है, गेमिंग वगैरह भी आप यहाँ पर काफी अच्छी कर सकते हैं। इन सभी के अलावा दोस्तों फोन के अंदर आपको UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है, जो कि आपको रीड और राइट की स्पीड तो अच्छी देती ही है, साथ ही में आपको यहाँ पर एप्स लोडिंग टाइम भी फास्ट मिल जाता है। इन सभी को पावर देने के लिए फोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000mAh की बैटरी, जो कि आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से दे देती है। साथ ही में फोन 33W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 33W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर दिया गया, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है, तो बैटरी मॉड्यूल भी आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं फोन के प्रोस की, तो फोन के अंदर आपको यहाँ पर डिस्प्ले, डिजाइन, कैमरा, बैटरी और साथ में दोस्तों फोन की परफॉर्मेंस, ये सभी काफी अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन अगर कॉन्स की बात करें, तो आपको यहाँ पर थोड़े मोड़े ब्लॉटवेयर ऐप वगैरह मिलते हैं और फालतू की नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इसके अलावा दोस्तों फोन काफी अच्छा है, तो अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन को यहाँ पर जरूर से चेकआउट कर सकते हैं।
6 और 128 के लिए वैसे तो आपको देने पड़ेंगे 17,999 रुपये, लेकिन दोस्तों अभी आपको यहाँ पर 2,000 रुपये तक का डिस्काउंट कूपन मिल जा रहा है अमेज़ॉन पर, जिसको अप्लाई करने के बाद आप स्मार्टफोन को लगभग 16,000 रुपये की प्राइस पर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं नंबर 3 की, और नंबर 3 पर हमने एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन रखा हुआ है आप सभी के लिए। हालांकि ये भी एक 4G स्मार्टफोन है, लेकिन फ़ोन काफ़ी तगड़ा है दोस्तों। ये फ़ोन है यहाँ पर Realme का Narzo 50। तो ये स्मार्टफोन भी आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलता है, लेकिन TUV रिनलैंड सर्टिफाइड है, तो बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आती है। डिज़ाइन दोस्तों अपना अपना टेस्ट है, हो सकता है कि आपको पसंद हो सकता है कि ना भी पसंद हो, आप यहाँ पर देख लीजिए। रही बात फोन के बाकी फीचर्स की, तो यहाँ पर भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक और सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर के साथ में आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन मिल जाते हैं। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 11 बेस Realme के UI 2.0 पर, तो हल्के फुल्के ब्लॉटवेयर ऐप और ऐड आपको मिलते हैं, लेकिन फोन की सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। तो ये तो हुए फोन के बेसिक फीचर्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोन के मेन फीचर्स के बारे में। तो ये फोन आता है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल के साथ में, जहां पर आपको कॉर्निंग और गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। और ये फोन आता है 600 नीट्स की ब्राइटनेस के साथ में, जो कि काफी अच्छी बात है। और गेमिंग के लिए आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाती है। ये फोन भी आपको काफी अच्छी डिस्प्ले के साथ में मिल जाता है, डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती। कैमरास की बात करें तो फोन के बैक में लगे हुए हैं 3 कैमरा, जहां पर मेन कैमरा आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का, 2 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है। सामने की तरफ यहां पर भी आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर दिया गया है। फोन का कैमरा सेटअप डिसेंट है, लेकिन मेन कैमरा से आपको आउटपुट अच्छे मिल जाते हैं। इवन दोस्तों आप यहाँ पर लो लाइट में भी थोड़ी अच्छी इमेजेस क्लिक कर सकते हैं। रही बात तो वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो मैक्सिमम आप यहां पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे फ्रंट कैमरा से 30fps तक और बैक कैमरा से 120fps तक। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा पीछे मिलता है। फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में भी लगा हुआ है MediaTek Helio G96 का चिपसेट, जो कि बना हुआ है 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर, तो आपको यहाँ पर हीटिंग वगैरह की हल्की फुल्की दिक्कत आती है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाता है। और डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के लिए इस फोन में आपको यहाँ पर 3.5 लाख के आसपास के अंततः स्कोर मिल जाते हैं, तो गेमिंग वगैरह आप यहाँ पर अच्छी कर सकते हैं। और इस गेमिंग को और इन्हेंस करने के लिए UFS 2.1 की स्टोरेज भी मिल जाती है, जो कि आपको यहाँ पर रीड और राइट के साथ साथ एप्स लोडिंग टाइम की स्पीड को भी बढ़ा देता है। और इन सभी को पावर देने के लिए फोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000mAh की बैटरी। और दोस्तों ये फोन 33W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 33W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है, तो बैटरी मॉड्यूल फोन का आपको अच्छा मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं फोन के प्रोज की, तो फोन के अंदर आपको परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी लाइफ तो काफी अच्छी मिल जाती है, लेकिन अगर कॉन्स की बात करें तो ये स्मार्टफोन अभी भी एंड्रॉइड 11 के साथ में आता है और स्मार्टफोन के डेप्थ सेंसर वगैरह कोई भी काम के नहीं है। तो अगर आपको फोन पसंद आया है और आप स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं, तो 4GB रैम और 64GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए आपको देने होंगे 12,999 रुपए। और हाँ दोस्तों, इसका 6 और 128 वाले वेरिएंट में आपको 5GB तक की वर्चुअल रैम भी मिल जाती है, और इस फोन के लिए आपको देने होंगे 15,499 रुपए। और अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट के सेकेंड लास्ट फोन के बारे में। तो ये फोन एक ट्रू 5G है, अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू के साथ में आता है, फोन के कैमरास भी अच्छे परफॉर्म करते हैं और फोन की परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिलती है। दोस्तों ये फोन है सैमसंग का गैलेक्सी F23 5G। तो चलिए जानते हैं कि इस फोन के अंदर हमें क्या कुछ नया दिया गया है। पहले बात कर लेते हैं फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो ये फोन भी आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलता है, लेकिन दोस्तों TUV रिनलैंड सर्टिफाइड है, तो बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आती है। रही बात दोस्तों फोन के डिजाइन की, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिजाइन भी आपको इस बार का थोड़ा सा बेहतर मिलता है। बाकी अगर फोन के कुछ अदर फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पर भी हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, 3.5mm का जैक मिल जाता है, फोन के अंदर आपको सिंगल मोनो स्पीकर्स दिए गए हैं। हालांकि दोस्तों मोनो स्पीकर हैं, लेकिन सैमसंग के आउटपुट काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आपको यहाँ पर ऑडियो के मामले में कोई खास शिकायत नहीं आएगी। रही बात कार्ड स्लॉट की, तो यहाँ पर भी आपको ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और दोस्तों इस स्मार्टफोन के वन ऑफ द बेस्ट पार्ट की बात करें, तो ये फोन रन करता है एंड्रॉइड 12 पर, जहाँ पर आपको मिलता है 1 UI 4.1। फोन की सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस दोस्तों बहुत अच्छी है, आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि सैमसंग सॉफ्टवेयर के मामले में काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है, यहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलते रहते हैं, तो दोस्तों देखा जाए तो ये भी स्मार्टफोन का एक प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों ये तो हुए स्मार्टफोन के बेसिक फीचर्स, अब जानते हैं फोन के मेन फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों ये फोन आता है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली TFT पैनल के साथ में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप यहाँ पर सैमसंग की TFT पैनल को यूज़ कर रहे हैं।
तो देखा जाए तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। रही बात डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, और गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट दी गई है। तो ओवरऑल देखेंगे यार तो डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई भी खास शिकायत नहीं आती। और हाँ दोस्तों, अगर फ़ोन के बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में आपको दिए गए हैं 3 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का, साथ ही में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर मिल जाता है, और सामने की तरफ आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर दिया गया है। दोस्तों आप यहां पर मेगापिक्सल पर मत जाइए, सेल्फी कैमरा फ़ोन का काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, डे लाइट में आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आती है, और स्मार्टफोन का जो बैक कैमरा वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, डे लाइट में आपको यहां पर काफ़ी अच्छी डिटेल्स वगैरह भी मिल जाती हैं, साथ ही में दोस्तों ये स्मार्टफोन लो लाइट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। तो ओवरऑल देखेंगे तो कैमरा से आपको यहां पर शिकायत नहीं आने वाली। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहां पर मैक्सिमम फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps तक फ्रंट और बैक कैमरा से, क्योंकि दोस्तों मुझे स्मार्टफोन का एक डिसएडवांटेज लगा क्योंकि ये चिपसेट 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर मैं 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलना चाहिए था। सो दोस्तों समय हो चुका है कि हम बात कर ले फोन के परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 750G का चिपसेट। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा पुराना चिपसेट हो चुका है लेकिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। 8 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ चिपसेट है, तो आपको यहाँ पर हीटिंग वगैरह की शिकायतें भी नहीं आती हैं, और दोस्तों बैटरी बैकअप भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर डे टू डे यूजेस और मल्टीटास्किंग में कोई शिकायत नहीं आती है। और हाँ दोस्तों, गेमिंग की बात करें तो लगभग आपको यहाँ पर 4 लाख के आसपास के अंतत स्कोर मिल जाते हैं, तो गेमिंग परफॉर्मेंस भी फोन की अच्छी रहती है, और इसके अलावा आप यहाँ पर वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग वगैरह भी आसानी से कर सकेंगे। परफॉर्मेंस के मामले में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती है। रही बात फोन के पावर हाउस की, तो फोन के अंदर लगी हुई है 5000mAh की बैटरी, जहाँ पर यह स्मार्टफोन सपोर्ट करता है 25W की चार्जिंग को। लेकिन दोस्तों ये स्मार्टफोन बिना एडेप्टर के साथ में आता है, जिसका मतलब कि आपको यहाँ पर चार्जर नहीं मिलने वाला है, तो अगर आपको चार्जर चाहिए तो अलग से परचेस करना होगा, जो कि दोस्तों मुझे यहाँ पर एक और डिसएडवांटेज लगा। लेकिन बैकअप के मामले में फ़ोन आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिल जाता है, तो बैटरी मॉड्यूल भी आपको यहाँ पर अच्छा दिया गया है। रही बात फ़ोन के प्रोज की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले मिल रही है, इस फोन में आपको यहाँ पर 12 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया है, साथ ही में दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर मिल जाता है, और फोन के अंदर आपको ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन भी दिए गए हैं, जो कि दोस्तों स्मार्टफोन का एक और प्लस पॉइंट है। और फोन के कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन थोड़ा सा ओल्ड टाइप का मिल रहा है, साथ ही में बॉक्स के अंदर आपको कोई चार्जर नहीं प्रोवाइड किया गया है, और दोस्तों ये फोन आता है TFT पैनल के साथ में। तो ये थे स्मार्टफोन की कुछ डिसएडवांटेज। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू के साथ में जाना चाहते हैं, तो आप इस स्मार्टफोन के साथ में ज़रूर से जा सकते हैं। 4GB रैम 64GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए ऐसे तो आपको देने होंगे 15,999 रुपये, लेकिन दोस्तों थोड़े मोड़े बैंक ऑफर्स लगा करके आप इस स्मार्टफोन को लगभग 15,000 रुपये की प्राइस पर परचेस कर सकते हैं। और गाइस, इस लिस्ट में नंबर 1 की पोजिशन पर आने वाला स्मार्टफोन एक नहीं बल्कि 2 है। आप इसे iQOO Z6 भी कह सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे Vivo का T1 5G भी कह सकते हैं। दोनों ही फ़ोन बिल्कुल भी सेम है, दोनों में आपको कोई फ़र्क नहीं मिलता। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं iQOO के Z6 के बारे में। बात कर लेते हैं फ़ोन की डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो ये फ़ोन भी आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड पर ही दिया गया है, लेकिन TUV रिनलाइन सर्टिफाइड है, तो बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। डिज़ाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिज़ाइन आपको कैसा दिया गया है। रही बात बाकी फीचर्स की, तो यहाँ पर भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, और आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पर आइदर एक साथ में 2 5G सिम या फिर 1 5G सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। रही बात यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन भी आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस फोन की अच्छी है, और यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आती। तो ये तो हुए बेसिक फीचर्स, बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के बाकी फीचर्स के बारे में। तो ये फोन आता है 6.58 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD पैनल के साथ में, जहां पर डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको यहां पर पैंडा ग्लास 2 का सपोर्ट दिया गया है, साथ ही में आपको यहां पर लगभग 450 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, और गेमिंग के लिए आपको यहां पर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है। तो दोस्तों देखा जाए तो डिस्प्ले आपको यहां पर काफ़ी अच्छी दी गई है, आपको यहां पर डिस्प्ले से कोई शिकायत नहीं आने वाली। रही बात फोन के कैमरास की, तो इस फोन के बैक में लगे हुए हैं 3 कैमरा, जहां पर मेन कैमरा आपको मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का, 2 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है। सामने की तरफ आपको यहां पर मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का डिसेंट है, लेकिन आपको यहां पर मेन कैमरा से आउटपुट अच्छे मिल जाते हैं, तो ये अच्छी बात है। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहां पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे 30fps तक फ्रंट और बैक कैमरा से।
और भाई अगर बात कर ले फोन की परफॉर्मेंस की तो दोस्तों इस फोन के अंदर लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 695 का 5G चिपसेट। वैसे दोस्तों काफी कैपेबल प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर हीटिंग की दिक्कतें बहुत कम मिलती हैं और बैटरी एफिशिएंसी भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। रही बात डे टू डे और गेमिंग परफॉर्मेंस की तो दोस्तों ये स्मार्टफोन काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है। आपको यहाँ पर 5-लेयर कूलिंग सिस्टम मिल जाता है गेमिंग वगैरह के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छी लेवल की गेमिंग कर सकते हैं और अंतत स्कोर की बात करें तो लगभग आपको यहाँ पर 410,000 के आसपास के स्कोर मिलते हैं, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत अच्छे स्कोर हैं। तो गेमिंग वगैरह इस फोन के अंदर आपको काफी अच्छी मिल जाती है और आपकी गेमिंग को और भी इनहेंस करने के लिए आपको UFS 2.1 की स्टोरेज दी गई है, जो कि आपको रीड और राइट के साथ साथ एप्स लोडिंग टाइम में भी काफी मदद करता है। तो फोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। फोन के पावर हाउस की बात कर ले तो फोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000mAh की बैटरी, जो कि आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप तो बहुत आराम से दे देती है। साथ ही में ये फोन सिर्फ और सिर्फ 18 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 18 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई, तो बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर डिसेंट मिलता है। और अब बात कर लेते हैं फोन के कुछ प्रोस के बारे में, तो यहाँ पर आपको डिजाइन काफी अच्छा मिल रहा है, कैपेबल प्रोसेसर है और दोस्तों यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप के साथ साथ ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है। रही बात फोन के कॉन्स की, तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम मिलती है और इसके अलावा आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिलेगा और साथ ही में दोस्तों ये स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ 2 5G बैंड के साथ में आता है। तो देखा जाए तो फोन अच्छा है, अगर आप यहाँ पर गेमिंग के लिए लेना चाहें तो आप इस स्मार्टफोन को एक बार जरूर देख सकते हैं। 4GB की रैम प्लस 4GB की वर्चुअल रैम और 128GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए आपको देने होंगे 15,499 रुपए, वहीं पर 6 और 128 के लिए आपको देने पड़ेंगे 16,999 रुपए, जहां पर आपको बैंक ऑफर लगाने पर 2,000 रुपए तक के डिस्काउंट भी मिल जाते हैं। तो ऐसे में आपको 6 और 128 वाला वेरिएंट लगभग 15,000 रुपए की प्राइस पर मिल जाएगा। सो अगर आप चाहें तो इस स्मार्टफोन को यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस ये थे वो आज के समय के टॉप 4 ऑलराउंडर स्मार्टफोन्स जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। सभी के लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, इस लिस्ट में किसी और स्मार्टफोन को आना चाहिए था या नहीं, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।